हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जो सांसारिक हालात हैं, एक तरफ युद्ध, दूसरी तरफ है प्राकृतिक आपदाएं, इन सब से डरकर और घबराकर आज का मनुष्य पुकार रहा है कल की भगवान को। हे विष्णु भगवान, जल्द से जल्द अवतार लेकर आए कल की भगवान के रूप में, जैसा कि पुराणों में लिखा हुआ है, और हमें इन दुखों और तकलीफों से, इन बीमारियों से, इन प्राकृतिक आपदाओं से छुटकारा दिलाएं। हर कोई अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है, लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या सिर्फ ये कल्कि भगवान की ही जिम्मेदारी है? क्या ये सिर्फ ईश्वर की ही जिम्मेदारी है कि इस धरती पर वो सतयुग लेकर आए? क्या हम और आप भगवान की मदद नहीं कर सकते? क्या इंसान की ये जिम्मेदारी नहीं है कि इस धरा पर, इस पृथ्वी पर, इस संसार में वो सतयुग खुद के कर्मों के द्वारा लेकर आए? ईश्वर ने सृष्टि तैयार की, चार भागों में, चार युगों में सृष्टि को बांट दिया। जब जब धर्म की हानि हो रही है और अधर्म का बोलबाला हो रहा है, तब तब भगवान को अवतार लेकर मनुष्यों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए इस पृथ्वी पर आना पड़ रहा है। लेकिन क्यों हर कोई भगवान को ही पुकार रहा है? क्यों खुद से ये कोशिश नहीं कर रहा है कि इस धरती पर, इस धरती को बचाने के लिए, सृष्टि को बचाने के लिए कुछ ऐसा किया जाए कि हम भी कल्कि भगवान के साथ जुड़ सकें इस धरती पर सतयुग लाने में? हम भी अपने नेक कर्मों के द्वारा, अपनी अच्छाइयों के द्वारा ईश्वर के काम में उनकी थोड़ी मदद कर सकें? क्यों नहीं हमारे मन में ये विचार आते हैं? क्यों हर कुछ, सब कुछ हम लोग, सारी जिम्मेदारी भगवान को ही सौंप देते हैं कि आपको ही ऐसा करना है? कल्कि भगवान तैयार कर रहे हैं अपना लेखा जोखा, वो अपनी सेना पूरी तरह तैयार कर रहे हैं। किन किन को उनकी सेना में जाना है, वो अच्छी तरह से लिस्ट वो तैयार कर रहे हैं। लेकिन क्या हमारी और आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आज जो परिस्थितियां बन रही हैं उनको सही करने में आज का कलयुगी मनुष्य यदि थोड़ी सी सोच अपनी बदल ले, मेहनत करे और नेक कर्म करे, अपने जीवन को सुधारे, दूसरों के लिए कुछ करके दिखाए, मानवता का धर्म निभाए, इंसानियत का धर्म निभाए, तो इस पृथ्वी पर सतयुग लाने में हम भी कल्कि भगवान की थोड़ी मदद कर सकते हैं। मानवता जो आज मर चुकी है, लोगों में पैसों का लालच इतना अधिक बढ़ गया है कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं, हर किसी को दूसरों को लूटना है और अपनी तिजोरी भरनी है, सेटिस्फेक्शन किसी के पास भी नहीं है, बस हर कोई दौड़ा जा रहा है, जबकि सबको पता है सब कुछ यही छूट जाएगा, कुछ नहीं आपके साथ जाने वाला। तो थोड़ा सा अगर आप दूसरों के लिए भी छोड़ देंगे, कुछ अच्छा कर देंगे, तो ये आपके लिए भी अच्छा है और दूसरों के लिए भी अच्छा है और इस सृष्टि के लिए भी अच्छा है। कुछ पेड़ पौधे लगाइए, मानवता धर्म निभाते हुए किसी मदद कर दीजिए, आध्यात्मिक ताकत को जगाइए, लोगों में अवेयरनेस फैलाइए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ओर लोगों को लेकर जाइए, ढोंग दिखावे से दूर रहिए, पाप और अत्याचार की दुनिया से बाहर निकलिए। अगर ये सब कुछ आप अपने व्यवहार में शामिल कर लेंगे तो हम भी ईश्वर की थोड़ी सी मदद कर देंगे।
ईश्वर ने भी बहुत कुछ मुसीबतें अपने जीवन में झेली हैं, बहुत मेहनत की हैं। वो तो अवतार है, वो तो भगवान है, उन्हें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन फिर भी जब वो भौतिक जगत में आए, शरीर धारण किया मानव का, तब उन्होंने भी बहुत कुछ सहा। लेकिन आज का मनुष्य थोड़ा सा भी अगर उसके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है तो घबरा जाता है और सब कुछ छोड़ देता है ईश्वर के सहारे। बस आपको ही करना है, हर जिम्मेदारी हम सौंप देते हैं भगवान के ऊपर और हाथ जोड़कर, हाथ मोड़कर बैठ जाते हैं कि बस अब जो करना आपको ही करना है। तो कोशिश कीजिए कि आप भी कल की सेना के एक पार्ट बने, प्रभु के नजदीक जा पाए, प्रभु से जुड़ सके। कोशिश कीजिए जुड़ने की, अगर आप कोशिश करेंगे डेफिनेटली भगवान भी आपको जोड़ेंगे अपने साथ, क्योंकि 64 करोड़ लोग कम नहीं है, काफी लोग हैं। अगर पुराणों में ये बात लिखी है तो ये सत्य है, कितने लोग ही सतयुग में जाएंगे। तो इतनी बड़ी जनसंख्या संसार में जो है उसमें से भगवान ने छटनी शुरू कर दी है और अपनी सेना तैयार करनी शुरू कर दी है। हमें भी कोशिश करनी चाहिए, उनके इस काम में हम अपना हाथ लगाएं, हाथ बटाएं, सहयोग करें और इस पृथ्वी पर सतयुग लेकर आएं, ताकि हमारी प्रकृति, हमारा संसार, हमारी धरती फिर से एक बार खुशनुमा बन जाए, आनंदमय बन जाए, हर सुख सुविधा हो, प्राकृतिक आपदाओं का कहीं नामो निशान भी ना रहे। और जिस प्रकार सतयुग में था वैसा ही सब कुछ फिर से एक बार कलयुग खत्म होने के बाद इस संसार में आ जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।